आगामी श्री केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक वधाणी ने मीडिया से संवाद किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यात्रा पड़ावे पर नशा शराब और मांसा जुआ खेलने जैसी शिकायतों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कृत्यों में यदि किसी विभागीय कार्मिकों की संलिप्तता होती है तो उसके विरुद्ध संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बार प्रयास रहेगा कि बाहर से आने वाले यात्रियों की भाषा की बुनियादी जानकारी पुलिस कार्मिकों को भी हो, इसके लिए उनके प्रशिक्षित भी उन्हें किया जाएगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। की व्यवस्था है, इसके लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं ताकि यात्रा रूट पे जो है अगर कभी मौसम ख़राब होता है या कोई आपदा की स्थिति बनती है तो इसमें हम यात्रियों को रुकाने के लिए व्यवस्था कर सकें। साथ ही जितने भी हमारे पुलिसकर्मी उनको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनको एक व्यवहार कुशलता जो है वो भी बताएंगे। इसके साथ ही यात्री जो आने वाले हैं उनके लिए भी हम कंटिन्यूसली लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए खोया पाया केंद्र और जो हमारा 112 है उसके हिसाब उसकी तरफ से जो है इमरजेंसी सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगे।